आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन पे आ जाना है। मोर ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह लिखे हुए दिखते होंगे जो कि मैंने अपने उस वीडियो के लिए लगाया है। इससे क्या प्रॉफिट होगा कि जो भी आपकी वीडियो इस नाम से सर्च करेगा तो वहाँ पर आपकी वीडियो भी शो होगी। दोस्तों YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है 2023 में, वो आज मैं आपको डिटेल पे बताने वाला हूँ। तो जो भी न्यू क्रिएटर्स हो या तो वीडियो सही तरीके से आप अपलोड नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, आपको A to Z चीज़ें मैं बताऊंगा कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से वीडियो अपलोड करोगे ना उतना जल्दी आपकी वीडियो वगैरह वायरल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने नॉर्मल से यूट्यूब वाले पेज में, और यूट्यूब पे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वीडियो वगैरह अपलोड करनी है। तो यहाँ से मैं प्लस वाले पे आता हूँ और यहाँ पे आपको कई सारे चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमको आना है नॉर्मल सा अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे मैं अपलोड ए वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर हमारी गैलरी वगैरह ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो वगैरह ले लेता हूँ जो वीडियो वगैरह मुझे अपलोड करनी है। जैसे मैं यहाँ से अपनी वीडियो वगैरह कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैं ये वाली अपनी वीडियो ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे डिटेल वगैरह आएंगे। जैसे यहाँ पे मैं थंबनेल लगा सकता हूँ, तो थंबनेल लगाने के लिए गाइस जैसे मैं कोई भी अपना थंबनेल कई सारे मैं बना के रखा हूँ तो मैं कोई भी थंबनेल ले लेता हूँ। जैसे मैं ये थंबनेल ले लिया, यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आपको टाइटल दिख रहा है तो टाइटल जैसे आपको जो थंबनेल है उससे मिलता जुलता टाइटल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी पहली मैं फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ तो माई फर्स्ट ब्लॉग आपको अपने थंबनेल पर भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर गाइज आपको टाइटल पे भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग 2023। जैसे मैं यहाँ पे 2023 लिख के और यहाँ पे गाइस जैसे टाइटल पे लिखा है तो मुझे इसको नॉर्मल से यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन पे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे आगे यहाँ से मैं पेस्ट भी कर देता हूँ। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे अनलिस्टेड में मैं अपनी वीडियो रखा हूँ अभी, तो आपको भी अनलिस्टेड में रख के अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करना है। उसके बाद नॉर्मल से इसमें आपको नो पे क्लिक कर लेना है। नो पे क्लिक करने पर क्या होता है ऑडियंस पे कि आपका कमेंट वगैरह ऑफ नहीं होता है, अगर आप लोग यस करोगे तो आपका कमेंट वगैरह ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह अपना लगाना चाहते हो लगा सकते हो कि कहाँ वीडियो अपलोड कर रहे हो, कहाँ की लोकेशन है, जो भी है। और यहाँ से नॉर्मल सा आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद गाइज आपको आ जाना है अपने YT स्टूडियो पे। जैसे आप लोग अपलोड करोगे आपकी वीडियो वगैरह अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको आ जाना है अपने YT स्टूडियो पे। YT स्टूडियो पे आने के बाद गाइज आपको क्या करना है, जैसे मेरी कोई भी वीडियो वगैरह होती है मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन मिलता होगा, एडिट वाले पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे हैशटैग लगा लेना है अपने वीडियो से मिलते जुलते। जैसे कि माई फर्स्ट ब्लॉग तो हैशटैग माई फर्स्ट ब्लॉग 2023, ऐसे करके आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन पे आ जाना है। मोर ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह लिखे हुए दिखते होंगे जो कि मैंने अपने उस वीडियो के लिए लगाया है। इससे क्या प्रॉफिट होगा कि जो भी आपकी वीडियो इस नाम से सर्च करेगा तो वहाँ पे आपकी वीडियो भी शो होगी, ऐसे में आपके पास ज़्यादा ऑडियंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी वीडियो से मिलते जुलते कीवर्ड लगा देना है। मतलब आप अपने वीडियो पर जो भी बोल रहे हो, अगर बोल रहे हो कि मैं अपना माई फर्स्ट ब्लॉग इस जगह पर अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नाम लिख देना है, जिस कैमरे से कर रहे हो कैमरा सर्च कर लेना है। मतलब अलग अलग चीजें कि लोग इस वीडियो को किस किस नाम से सर्च कर सकते हैं, आप लोग खुद होशियार हो, आप लोग को समझाने की क्या जरूरत। तो उसके बाद आप यहां से अपना टैक्स वगैरह लगा सकते हो, यहां पे कैटेगरी चूज कर सकते हो कि आपकी वीडियो कैटेगरी किस कैटेगरी की है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ से जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे मैं स्पोर्ट की वीडियो बना रहा हूँ तो स्पोर्ट्स मुझे सेट करना है, ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रैवल करना है, और ब्लॉग्स कर रहा हूँ तो पीपल एंड ब्लॉग्स। मतलब जो कैटेगरी, अगर आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे आपको गेमिंग से लिखना पड़ेगा। मतलब आपको कैटेगरी चूज करनी है कि मतलब अगर आप कैटेगरी चूज कर लेते हो तो जो ये आपकी वीडियो रहेगी तो ये उन्हीं ऑडियंस के पास जाएगी जिसको इस वीडियो की नीड है। जैसे कोई गेमिंग वीडियो देखता है तो उसके पास गेमिंग वाले के पास जाएगी, अगर कोई इंटरटेनमेंट वीडियो देखता है तो उसके पास आपकी वीडियो जाएगी। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अगर आप लोग ब्लॉग शूट कर रहे हो तो आपको पीपल एंड ब्लॉग्स पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप हर चीज़ें देखने के बाद, जैसे यहाँ पे मेरा टैक्स भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, सब कुछ हो गया, तो यहाँ से आपको नॉर्मल सा सेव कर देना है।
सेव करने के बाद गाइज आप देखोगे कि आपकी वीडियो भी अच्छे खासे तरीके से वायरल होगी, अच्छे ऑडियंस आएंगे आपके पास भी गाइज, और आपकी वीडियो काफी तेजी से ग्रो करेगी। और गाइज अगर आप लोग सही तरीके से कीवर्ड यूज करोगे तो 100% आपकी भी वीडियो वायरल होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। सो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।